उनकी आराधना। 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो, आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप चौदस पर करी, वही थाली आज फिर पहुंचकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है, उसी थाली। जैसे आपके यहां के ब्राह्मण पूजन बताते हो वैसी पूजन करो, और अगर ब्राह्मण आपके यहां नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो तो जैसा करते आए हो, आपके पूर्वज जैसा बताते हो, आपकी सास जैसी बताती हो, आपके ससुर जैसा बताते हो, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसी पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं, जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई हो, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी पैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जले, घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अभीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़, गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को, क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारे बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे, महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का जो चित्र हो वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें, और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान हैं, विश्वनाथ जी विराजमान हैं, सुंदर भाव से महांकाल बाबा विराजमान हैं, उनका भी स्मरण करें, उनका भी पूजन। सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करते आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए मत रखो, रखा है तो रख। जैसी पूजन आप पैर में पूर्व में करते हैं, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्गों ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, उस सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मिट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाएं, घी के तेल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही क्रम करें, माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज दीपोत्सव है, अपने घर में भाव भक्ति और आनंद के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। जो पूजन चल रही है ये 5 दिन तक चलेगी, आज 3रे दिन की विराम ले रही है, कल फिर पुनः
यही समय पर आनंद लेते हुए इसी पूजन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो, सभी भारतवासियों को, देशवासियों को और पूरे विश्ववासियों को शुभ दीपावली, दीपावली की मंगल मंगल बधाइयां। मेरा विश्वनाथ आपके भंडार भरे, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव आप सभी के भंडार भर कर रखे। हर हर शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।